जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो आपका IBACIO का प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ है, तो उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित कुल चीनी का एक तिहाई भाग से अधिक चीनी उत्पादन किया है? ऑप्शन सी जो है आपका महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके हाथ के द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल की बात हो रही है यहाँ पे, यह स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बूलर झील, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? किस संविधान के द्वारा प्रभावित है? ऑप्शन जो डी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार आरटीई वर्ष डॉट में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? कब अधिनियमित किया गया था? यह अधिनियमित किया गया था सन 2009 में, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराजा सवाई जय सिंह और जय सिंह द्वितीय ने डॉट में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की? यह स्थापित की उज्जैन में, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टॉट के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया? एकल टीके का शुभारंभ किया खसरा और रुबेला, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन जो डी है आपका जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर माउंट कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वर्ष किस स्थापित हुआ था? किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो गाइस ये स्थापित हुआ था वर्ष 1993 में, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ तो बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन, अलबरूनी भारत में कब आया था? अलबरूनी भारत में कब आया था? अलबरूनी भारत में 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद मनवंत, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? ऑप्शन सी जो है आपका महेंद्र बर्मन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है,
ऑप्शन जो डी है आपका सिकंदर लोदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? सी वाला जो ऑप्शन है आपका नामदेव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन जो ए है आपका जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? वीडी सावरकर द्वारा गुप्त संगठन का नाम, अनुशीलन समिति। ऑप्शन जो बी है आपका, सॉरी डी जो है आपका अभिनव भारत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, डेकन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रनाडे। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तेल। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका हटिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? बी वाला जो ऑप्शन है आपका गुजरात एवं उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सो गाइस, जिसे कहा जाता है सनराइज उद्योग। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के निम्न जल प्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? भारत के निम्न जल प्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका दूध सागर प्रपात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने वर्षों का होता है? पर्याप्त समय में भरा जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा के। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका संपत्ति का अधिकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार ऑप्शन जो बी है आपका एक विधिक अधिकार है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण स्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका ग्रामीण उद्योग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका वित्त मंत्रालय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन जो बी है आपका वित्त मंत्रालय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंबसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंगराज्य जीता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के 31वें राष्ट्र प्रधानमंत्री किन्हें घोषित हुए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस के क्वेश्चन की। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? जूल ऑब्लिक कूलाम।
निम्न में से अदिश राशि है, निम्न में से अदिश राशि है, ऑप्शन जो डी है आपका कार्य। निम्न में से कौन से बंधन के कारण अधिकतर ठोस सुचालक होते हैं, कौन से बंधन के कारण अधिकतर ठोस सुचालक होते हैं? धात्विक, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र निम्न से किससे संबंध नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किससे संबंध नहीं होता है? स्थिर आवेश। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी, सीधा तथा छोटा होता है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? पराशर तरंगों को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में उसकी लहरों को देखता रहा, डॉट डॉट डॉट, यह कथन किस वैज्ञानिक का है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन का। एक पेड़ की आयु किस रेडियो समस्थानिक के द्वारा निर्धारित की जाती है, एक पेड़ की आयु किस रेडियो समस्थानिक के द्वारा निर्धारित की जाती है? सो गाइज, ये निर्धारित की जाती है कार्बन के द्वारा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का आकार लगभग है, चंद्रमा का आकार लगभग कितना होता है, पृथ्वी के आकार का 1/4। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।